Man,
Sajiman,
Mano, 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 mano
कुटुंब परिवार करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। करुणानिधि एकाक जीहने निर्दोष निर्म निष्ठावान बनाया, महिमा तेरी समझ सकी में मगन रहे हम।
तेरी लगा रही मन गुरु भक्ति में मगन रहे हम सेवा में तेरी लगा रही मन अक्षर नाम के मालिक हो तुम अक्षर नाम के मालिक हो तुम हमको भी अक्षर रूप बनाना हो करुणा निधि एकाका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना संपसुरद मां और एकता का बल ऐसा दे दो काका संपसुरद मां और एकता का बल ऐसा दे दो काका धन्य धन्य हो काका जी तुम धन्य धन्य हो काका जी तुम सच्चा मुझको सेवक बनाना करुणा निधि एकाका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी पुण्य की नगरी में भी मैंने पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी हो गर हो सके मुझे माफ करना निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना करुणा निधि एकाका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना महिमा तेरी समझ सके काका ऐसा आत्मीय सेवक निधि एकाका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना
सजानंद स्वामी महाराज की जय। भगवत स्वरूप गुरु जी, परम पूज्य सूरज स्वामी, परम पूज्य संकल स्वामी, परम पूज्य अक्षर स्वामी, परम पूज्य मैत्री स्वामी और हमारी प्यारी आनंदी दीदी और भगवाधारी बहने, सबको मेरे हार्दिक जय स्वामी नारायण। सबसे पहले तो मैं आईएनए टीम का खूब खूब धन्यवाद करूंगा। ये कोरोना काल में हमें सत्संग और लाइव दिखा के मंदिर की कमी भी महसूस नहीं होने दी। सत्संग में आना मेरा पिताजी के साथ हुआ और मैं सत्संग में शनिवार इतवार पिताजी के साथ आता था तो मुझे खूब आनंद आता था और गुरुजी के पास बैठ के मन एकदम शांत हो जाता था। एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। वहां बैठ के फिर समय क्या व्यतीत हो जाता था पता ही नहीं चलता था और उठने का भी मन नहीं करता था। और मेरा छोटा भाई जिसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया था वो 4-5 दिन हॉस्पिटल रहा, फिर वो अक्षर निवासी हो गया। और परिवार में सब टूट चुके थे, सब दुख में डूबे हुए थे तो गुरुजी को पता चला तो गुरुजी पिताजी से मिलने आए और उनको गले लगाया और गुरुजी ने सांत्वना दी और हमें इस दुख से बाहर निकाला। और हमारा अलमारियों का काम चलता नहीं था और पिताजी बहुत परेशान रहते थे तो गुरुजी से बात करी तो फिर धीरे धीरे गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा काम देना चालू किया और हमारा काम चल पड़ा। गुरुजी का हमारे जीवन में आना खुशियों का आना हुआ। अगर गुरुजी ना होते तो हम दिल्ली में भी ना होते। गुरुजी का खूब खूब आशीर्वाद हमारे पे। और मेरी शादी की बात हुई तो गुरुजी ने कहा भी अशोक को घड़ी देंगे, पिताजी को बोला तो मैंने कहा गुरुजी घड़ी तो ले लिया है, फिर कहते सूट, मैंने सूट भी सिलने दे दिया है तो गुरुजी कहते मेरी तरफ से भी, तो फिर गुरुजी ने सूट की सिलाई के पैसे दिए। ऐसा कौन कर सकता है, गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। और मैं मंदिर जाता था तो अहमदाबाद से दादू आते हैं तो उन्होंने बोला कि अशोक तुम इतने पास में रहते हो मंदिर के तो सुबह धुन में 6:40 की धुन में क्यों नहीं आते। तो फिर मैंने धुन में आना चालू किया, तब से मैं रेगुलरली 6 साल से रेगुलर सुबह की धुन में धुन चालू की। मैं ऐसे आता रहा, फिर एक बार मेरे को मन में हुआ, मैंने कहा महापूजा की सेवा, तो ऐसे मैत्री स्वामी ने सामने से ही कहा अशोक भाई तुम रोज सुबह आते हो तो महापूजा की सेवा भी कर दिया हो। मैंने कहा हाँ स्वामी मैं कर दूंगा महापूजा की सेवा। और महापूजा की सेवा करके फिर मैं नीचे आता था तो कई बार मेरे को आनंद भाई बोलते कि अशोक भाई ये गुरुजी के बर्तनों की सेवा कर दोगे, मैंने कहा हाँ आनंद भाई मैं कर दूंगा। तो वो भी मेरे को उसका भी एक लाभ मिलता था, उसका एक अलग ही आनंद मेरे को आता था। तो वो करके फिर मैं गुरुजी के दर्शन करके
फिर मैं घर जाता था, फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाता था और मेरा सारा दिन बहुत अच्छा व्यतीत होता था और सारा दिन महाराज की स्मृति मेरे मन में रहती थी। और 2000 से रद्दी चालू हुई तो रद्दी में भी हम रेगुलरली जाते थे और ये कोरोना की वजह से 5-6 महीने से नहीं जाते, उसका भी मेरे को दुख है। रद्दी में हम सब हरिभक्तों से मिलते थे, आनंद आता था और एक अलग ही आनंद की खुशी होती थी। और गुरुजी ने आशीर्वाद भी दे रखा है कि जो रद्दी में आएगा वो तन मन धन आत्मा से सुखी होगा, तो रद्दी में आने का भी एक अलग ही आनंद आता था। और सब हरिभक्तों से मेल जोल, जय स्वामीनारायण, और एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। और ये कोरोना के वजह से पिताजी को दिक्कत हुई तो मैंने डॉक्टर दिव्यांग को फ़ोन किया तो उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी, तो फिर मैं पिताजी को एडमिट किया और फिर गुरुजी से बात करी। फिर गुरुजी ने बोला हम धुन करेंगे, आप भी धुन करना। और पिताजी एकदम ठीक हो गए। और उस दौरान मेरे पे सबका फोन आता था, कौशिक भाई, राकेश भाई, जयप्रकाश अंकल, नवीन अंकल, दालिया साहब, दिनेश जी, सबका फोन आता था और बल मिलता था। इनका मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। ऐसे समय में मेरे को अपनों से भी सपोर्ट नहीं मिला, वो सपोर्ट मंदिर से मिला। ऐसा दिव्य परिवार गुरुजी ने बनाया है, कोटि कोटि वंदन हो गुरुजी को, कोटि कोटि वंदन हो काका जी महाराज को। गुरुजी और दीदी जैसा हमें बनाना चाहते हैं ऐसे हम चल पड़े, ऐसे गुरुजी और दीदी के चरणों में प्रार्थना। और हमारी आनंदी दीदी एकदम स्वस्थ होकर मंदिर में आए, जैसे पहले खुशहाल रहती वैसे ही महाराज उनको हसमुख चेहरा रखे और महाराज उनको तंदुरुस्ती दे। सजान स्वामी महाराज की जय। मेरे लिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने सोच रखा था कि मैं भी अपने बारे में, मंदिर के बारे में अपने अनुभव शेयर करूं। और इसके लिए मैं राकेश अंकल जी और पुनीत भैया को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे मन की बात जानी और मुझे फ़ोन करके कहा कि भैया हमें अपने अनुभव का लाभ दो। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, मैं इस परिवार का, इस सत्संग का हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ ताऊ लूठी राम जी को जाता है, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, जिनकी कमी हमेशा खलेगी। ताऊ लूठी राम जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ताऊ लूठी राम जी का प्रतिदिन सभी हरि भक्तों के पास जाना, उनकी तबीयत का हालचाल जानना उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी में शामिल था। ताऊ लूठी राम जी मेरे पास भी आते थे, जब भी ताऊ लूठी राम मंदिर जाते थे तो मुझसे ज़रूर बोलते थे कि मंदिर चल, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में ना करें कोई, और सुख में सुमरण करें तो दुख काय को होए। जब कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं ताऊ जी को टाल दिया करता था कि ताऊ जी आज नहीं कल। लेकिन सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, वो दुख भी आया, एक समस्या आई मुझे कि मुझे मानसिक तनाव डिप्रेशन की शिकायत हुई। तो ताऊ लूठी राम जी 2011 के आसपास मुझे पहली बार मंदिर लेके गई। तो ये मैं अपना फर्स्ट अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जैसे ही मंदिर के प्रांगण में मैंने अपने कदम रखे
वो मानसिक तनाव, वो बोझ कहाँ ओझल हो गया, और मन को और तन को जो दिमाग को शांति मिली वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये मेरा पहला अनुभव था। हरि भक्तों से मिला, गुरु के प्रति, काका जी के प्रति उनका प्यार, उनका इसने देखा तो मन खुशी के मारे झूम उठा। गुरु जी के और दीदी के पहली बार दर्शन हुए, गुरु जी से निगाहें ना हटे, मन करे बस निहारते रहो, देखते रहो, और वो सिलसिला तो आज तक चला रहा है कि गुरु जी को देखने के बाद किसी और चीज़ को देखने का मन ही नहीं करता, बस मन करता है कि ये लम्हा ही रुक जाए। ताऊ लूटीराम जी जब भी मंदिर के लिए आते थे तो उनके चेहरे का तेज और खुशी वो तो शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते, और वो हमेशा एक दोहा गुनगुनाते थे कि गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ताऊ जी कहते थे कि गुरु की तरफ रखा हुआ हर कदम हजारों यज्ञ करने के बराबर है, और गुरु से आप मिलने के लिए जा रहे हो तो त्याग दो अपना अहंकार स्वाभिमान, अपनी प्रतिष्ठा गाड़ी घोड़े। तो गुरु जी मैं तो यह कहूँगा कि मैं तो पूरा कागज हूँ, आपके पास आया हूँ, रंग तो इसमें आपको भरना है और भर रहे हो। संत समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। संत का साथ और भगवान का भजन इस पृथ्वी पर मिलना कठिन है, लेकिन हमें हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म, कोई कार्य इतने अच्छे होंगे कि हमें दीदी स्वरूप, गुरुजी स्वरूप ऐसे संत मिल गए हैं और बैठे बिठाए मिल गए हैं, जो जिसका आज हमें लाभ मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। गुरुजी के बारे में जाना कि गुरुजी ने कितनी विषम परिस्थितियों में यह सत्संग डेवलप करा है, काका जी की आज्ञा को मानते हुए इतनी विषम परिस्थितियों में। कहते हैं ना कि एक बंजर जमीन में जिस तरह पौधा उगाना बहुत मुश्किल है, उसी तरह यहाँ पे सत्संग डेवलप करना बहुत कठिन और बहुत असंभव कार्य था, जो गुरु जी ने संभव बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, मुझे हर गम से अनजान बना दिया, गुरु जी आपकी कृपा ऐसी हुई कि मुझ पगले को इंसान बना दिया। गुरु जी मंदिर से जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद में जो मेरी लाइफ में चेंज आया है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आपने मेरी टोटल लाइफ ही चेंज कर दी है। मसूरी का पहला टूर, मैं कहूंगा कि मेरे जीवन का वो पहला टूर। तो अक्षर स्वामी जी ने मुझसे एक बात कही थी कि भैया एक बार नहीं तीन बार, कि भैया आपको गुरु जी को ही निहारना है, गुरु जी के इर्द गिर्द रहना है। अब मैंने अपने मन में सोचा कि गुरु जी के पास रहेंगे तो इस टूर का आनंद कैसे लेंगे, लेकिन वो 7 दिन जो गुरु जी ने, संतों ने और सभी हरि भक्तों ने जो अपना प्रेम लुटाया दिखाया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो मेरे रोम रोम में बस चुके हैं, वो लम्हा मेरे जीवन में इस तरह बस चुके हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। एक पल का दुख भी आया, केवल एक पल का क्षण, और गुरु जी ने फिर वही सामान्य कर दिया। तो क्या था वो, कितना आनंद था उसमें, वो बयान नहीं कर सकता मैं। कहते हैं कि स्वर्ग को इसने देखा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने स्वर्ग देखा है अपने मंदिर में जुड़ने से, संतों और हरि भक्तों को उनका स्नेह और प्रेम देखकर मेरे लिए तो मेरा मंदिर ही स्वर्ग है, और मैं कहता हूँ कि ये स्वर्ग स्वर्ग से सबसे ऊपर है। प्रभाकर अंकल जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि प्रभाकर अंकल जी कोई भी समस्या हो, रोग हो, तो सबसे पहले मैं प्रभाकर अंकल जी से उसका हल जानता हूँ या उसकी दवाई पूछता हूँ। तो प्रभाकर अंकल जी उसके रोग के बारे में दवाई बताने के बावजूद, रोग ठीक होने के बावजूद में भी कम से कम 5-7 दिन फ़ोन ये करके पूछना कि भैया आप तबीयत कैसी है,
तो कितना स्नेह और कितना प्रेम है, ये गुरुजी द्वारा सिखाया हुआ है सब कुछ। सूरज स्वामी जो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, सामान का आदान प्रदान स्वामी जी के द्वारा ही होता है, और स्वामी जी का बना हुआ हाथ का खाना वो प्रसाद मुझे बहुत बहुत भाता है। तो इसके लिए स्वामी जी को मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। गुरु जी से सीखा है कि निअहंकारिता क्या होती है। निअहंकारिता के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि हनुमान जी जो रावण की लंका में आग लगा के वह राक्षसों को और उनके बाग बगीचों को उखाड़ के फेंक के जब राम जी के पास से लौटते हैं तो उनके स्वागत में सभी खड़े होते हैं, तो जामन जी राम जी से कहते हैं कि राम जी हनुमान जी ने तो कमाल कर दिया, रावण की लंका में आग लगा दी, उसके बाग बगीचे उखाड़ के और राक्षसों को मार के आए हैं। तो राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी ये कार्य आपने किया, तो हनुमान जी हाथ जोड़ते ना प्रभु मैंने तो ना किया। राम जी जामन जी से कहते हैं जामन जी आप तो बोल रहे हो कि हनुमान जी ने किया, हनुमान जी तो मना कर रहे हैं। जामन जी फिर राम जी से ना प्रभु ये कार्य तो हनुमान जी ने किया है। राम जी फिर हनुमान जी से, हनुमान जी फिर वही ना प्रभु मैंने तो ना किया। तो राम जी थोड़ा सा खींच जाते हैं कि जामन जी आप कहते हो हनुमान जी ने किया, हनुमान जी कहते हैं मैंने नहीं किया, तो ये फिर कार्य किसने किया, ये मैंने किया। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहे हाँ भगवान ये कार्य तो आप ही ने किया, मैं तो एक माध्यम था। तो गुरु जी से सीखा है कि काका जी के वचन को उन्होंने कितनी सार्थकता के साथ सिद्ध कर दिया है और हमें कितना आनंद में बना दिया है, तो इसके लिए गुरु जी को तो कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और अंत में जाते वक्त मैं कहना चाहूंगा कि आपकी आज्ञा में रहूं बस यही एक वर दो, सेवा सुमरण सत्संग झोली में भर दो, और सभी हरि भक्तों से हाथ जोड़ के मेरी एक विनती है कि सभी आज इस ऐसे टाइम पे जो एक सही समय नहीं चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ओवरवेट से बचें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे गुरुजी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे हैं और हम गुरुजी के हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय स्वामी नारायण। સ્વામીની વાતુ પ્રકરણ 9 વાત 200મી સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે વાંકિયાના રાજભાઈ જીવુભાઈના માસીની દીકરી બેન થતા જીવુભાઈ જીવુબા અને માસીની દીકરી એટલે બેન જ હતી મોસી કી લડકી અને બેન મોસાઈ બેન તેણે એક વાર गढ़ेड़ा महाराज ना दर्शन कराया उसने एक बार महाराज का दर्शन करा था गढ़ेड़ा में किसने राजभाई ने इतला मां मूर्ति मां चित्त तनाई गयो देखते ही मूर्ति के अंदर खींची गई एकदम मन मूर्ति में चला गया અને ભગવાન પણનો નિશ્ચય થઈ ગયો વાગે જરૂર યે ભગવાન હે માનવ સ્વરૂપ મે ભગવાન કી મૂર્તિ મન મે જીવ મે બસ ગઈ પછી પુરુષ હરામ બરોબર કરી ભગવાન ભજવાનો સંકલ્પ કર્યો એ ઉસને સોચ લિયા यो अगर मानव स्वरूप में मानव रूप में भगवान है तो फिर कोई पुरुष के लिए ये शरीर खुवार नहीं करना है। सगाई नहीं ना पाड़ी शादी करने के लिए मना कर दी तो अपन संबंध करियो ने चुंदड़ी आवी हाँ तब भी सामने वाले ने
शादी के संबंध करने के लिए, विवाह करने के लिए चुनरी भेज दी। इतले कोठला ऊपर मुकी। हाँ, कोठला मैंने पटारे पे रखी, फेंकी। हाँ, के बड़ी तारी चुनरी, वो चुनरी खाप हो गई। कैसा संकल्प बलवान होगा, मन मन सत्ता। समझ आई? तेमनी माँ कहे, राजू जो आ चुंदड़ी आवी। माँ ने बहुत ऐसा था कि मेरी लड़की की शादी हो जावे, ये है वो है, दामाद आवे घर में, घर के देखते चुंदड़ी आ गई। हाँ, त्यारे कहे बड़ी तारी चुंदड़ी। हाँ, त्या तो जड़ेड़ाट भड़को थयो, वहां तो एकदम शोला उठा और चुंदड़ी खाक हो गई। मैं तो सोचता हूँ ये बनी हुई घटना है, तो क्या ताकत हो गई उसके मन के संकल्प की। थॉट इज एन ऑब्जेक्ट। अग्नि प्रकट हो गया। पची जान आवी ने वर तोरण आवे। हाँ, फिर जान आई और उसके साथ शादी करने वाला दूल्हा गेट पे आया, तो सामने देखा। हाँ, बताया कि ये तेरी दुल्हन है। देखा तो वो शेरनी जैसी लगी, शेरनी ही नजर आई उसे। वो तो दौड़ के भागा, मुझे इसे शादी नहीं करनी। कहते ना, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। पछी जान आवी ने वर तोरण आवयो, त्यारे समाधि में वया गया। वो समाधि में चल गई। इतले देह तो लाकड़ा जेवू थई गयो, काष्ठवत हो गया। ते मड़ा ने केम बेसारा है। वो कहने डेड बॉडी को बिठावे कैसे। पची तेमने बदले गोली ने बेसारी ने परणावी दीदी। इसके बजाय नौकरानी को बिठा दी। वे अभी आया है तो शादी तो करा देनी पड़ेगी, घूंघट लगा दिया होगा तो पता तो लगा नहीं होगा। और फिर वो जो क्या ना दुल्हन को बिठाने का मैका होता है, क्या बोलते हैं उसको, डोली, म्याना। हाँ, डोली डोली डोली। हाँ, उसके अंदर उसको बैठा दी होगी। साथ में बैठते स्टोरी में ऐसा है। अच्छा, स्टोरी में पछी जान चाली त्यारे राजबाई ने गाड़ी बैठा रहा। हाँ, राजबाई को गाड़ी में बिठा दिया। ने रस्ता मा महाराज ने प्रतापे भूख तरस लागी नहीं। रास्ते में महाराज के प्रताप से उस समय 2-3 दिन लगा होगा, ना भूख लगी ना प्यास लगी। घर गया त्या वर ने सिंह रूपे देखाना। घर गया तो हस्बैंड ने देखा शेरनी जैसी नजर आई, वो तो कमाल खोल के बाहर भाग गया। ये तो खा जाएगी मुझे। ते वर राड़ पाड़ी ने भागे हो, चिल्ला के भागा दरवाजा खोल के। ने कहू जे
મારે જોઈતી નથી. બોલે મુજે ઇસે શાદી નહીં કરની. તેને પાછી મોકલી દો. સો વાપસ ભેજ દો. પછી ગઢડે આવ્યા. એ ગઢડે વાપસ વો ગઢડા મે આવી. ને જીવબાઈ ભેગા મહારાજની સેવામાં રહ્યા. જીવબા કે સર મહારાજ કી સેવામાં રસોઈ બનાની કરની સાફ સફી કરની. ને ત્યાગ બહુ પાડતા. ત્યાગ વૈરા બહુ પાડતી રહેતી હતી. નિયમ મેં રહેતી હતી. વ્રત કરતી હતી. જાડા લુગડા પહેરતા. પતલે કપડે નહીં પહેરતી હતી. મોટે કપડે પહેરતી હતી. કેટલી ડિટેલ ઉસ સમય સબને નોટ કરી હોગી. પૃથ્વી ઉપર સૂતા. પૃથ્વી પર સૂતા. બિસ્તર લગા કે નહીં સૂતે. ને પાસે દોડ પાસે માંડ જમતા. બડી મુશ્કિલ સે આધી કટોરી એસા ખાના ખાતે થે. તેમણે દેહ મૂક્યો ત્યારે દેહ ક્રિયા કરતી વખતે દાદા ખાચરે ઘી ઝાઝુ નાખી અગ્નિ મૂક્યો. તબી અગ્નિ લગા નહીં. પણ અગ્નિ લાગ્યો નહીં. લગા નહીં. પછી ગોપાળાનંદ સ્વામીને વાત કરી. ગોપાળાનંદ સ્વામી કો વાત કરી કે સ્વામી એ તો અગ્નિ દેવ પ્રગટ હોતે હી નહીં લકડે મેં સે. હા તો કે વો સતી એસી હૈ કે અગ્નિ ઇસકો છૂ નહીં સકતા. લેકિન વહાં જાકે કહો કે સતી તો ચલ બસી હૈ. અબ તો એ ખાલી ખોખા હૈ. ઇસકો છૂને મેં હર્જા નહીં. તબ આગ લગેગી. યો કિસી પુરુષ કો હાથ નહીં લગાને દેતી. પછી ગોપાળાનંદ સ્વામીને વાત કરી તો કહે અગ્નિદેવ સતીને સ્પર્શ કરી ના શકે. અગ્નિદેવ સતી કો સ્પર્શ નહીં કર પાતા. કેમ જે સતીને અડી જવાય ને ઉપવાસ પડે. સતી કો સ્પર્શ કર લે પાપ ચડ જાવે તો પ્રાયશ્ચિત કા ઉપવાસ કરના પડે. તો તેનું નખોર નીકળી જાય એમ બીવે છે. ઉસકા સત્યાનાશ હો જાવે ઇસલિયે અગ્નિદેવ ભી ડરતા હૈ. માટે કહો જે ઇસલિયે નજદીક જાકે કહો સતી તો વયા ગયા છે ને આ તો પંચભૂતનું દેહ છે. સતી તો ઇસમે હૈ નહીં ચલ બસે. યે તો ખાલી ખોખા પડા હૈ. તે તેમને કાંઈ દોષ નહીં લાગે. તો તુમે કોઈ પાપ નહીં ચડેગા. અબ વાત મનાય નથી મનાતી તમે. સમજાય. હકીકત હૈ. પછી એમ કહ્યું કે તરત અગ્નિ લાગ્યો. એ કા તો ફિર અગ્નિ પ્રગટા. એવા સતી હતા. એસે વો સતી થી. બસ.